मथुरा समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष मुन्ना मलिक के नेतृत्व में रात्रि में नगर के डी गेट भूतेश्वर गोवर्धन चौराहे आदि स्थानों पर समाज के गरीब असहाय तबके के लोगों को शीतलहर के प्रकोप से बचाव हेतु कंबल का वितरण किया। इसके साथ ही उन्होंने नगर निगम से जल्द ही नगर में रेन बसेरे लगवाने की नगर निगम से मांग की। रिपोर्ट कृष्णा गुप्ता। साथियों के साथ आज मथुरा रेलवे स्टेशन भूतेश्वर रेलवे स्टेशन भूतेश्वर धर्मकांटे के सामने डिगेट क्षेत्र में गोवर्धन चौराहे पे आज तमाम जगह जो गरीब मजदूर फुटपाथ पे बिना वस्त्रों के सो रहे थे, जिन पे उड़ने के लिए कोई साधन नहीं था, आज समाजवादी लोहिया वाहिनी महानगर की टीम ने उनको कंबल उपलब्ध कराने का काम किया है। आज 2 दर्जन से ज़्यादा कंबल बांटने का काम समाजवादी लोहिया वाहिनी ने किया है। हमारी मथुरा की सभी समाजसेवी संस्थाओं से अपील है, अपने आसपास कोई गरीब इस प्रकार का दिखे उनकी मदद करने का काम करें, और समाजवादी लोहिया वाहिनी महानगर की तरफ से आगे भी इसी प्रकार की मदद जारी रहेगी। चूँकि हम राजनीति समाज सेवा के उद्देश्य से ही करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम बोर्ड ने अभी तक मथुरा में रेन बरसेरों की व्यवस्था नहीं की है। आज गरीब साधु संत मजदूर सड़कों पर बिना कंबल वस्त्रों के रह रहे हैं। आज वो इतनी भयंकर ठंड में हमने तमाम लोगों को कपकपाते हुए देखा, तो उनको कंबल उपलब्ध कराने का काम किया। हम नगर निगम से अनुरोध करना चाहते हैं, जल्द से जल्द मथुरा में रेन बसेरों को सुचारू रूप से चालू कराया जाए।